अपन इफेक्टेड लोगों का जो नाम या फिर तालिका सीएम ने बताया है, क्या बंगाल बीजेपी की तरफ से कोई सर्वे किया गया है? किया गया तो कहाँ किया गया, उसका क्या रिजल्ट है? देखिए, तूफान के तुरंत बाद ही अपने कार्यकर्ता गांव-गांव में, जहां पेड़ टूट गया था, रास्ता बंद हो गया था, उसने अपने हाथों से सफाई किया, अब भी चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जितनी नुकसान हुई है लोगों की, सबकी हमने लिस्ट बनाया है, कितना नुकसान है, फ़ोटो भी खींचा है, और उसी को एक बना करके हम वीडियो SDO को भी दे रहे हैं कि उनको सुविधा हो लोगों तक और रिलीफ पहुँचाने के लिए। लेकिन मेदिनीपुर जिला का मैं बता सकता हूँ, मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, दांता नारायणगढ़ है, एक ब्लॉक में 1500 जो घर टूटा है उसका लिस्ट बना के हमने दिया है वीडियो को। लेकिन उन्होंने 271 लोगों को 20-20 हज़ार रुपया दे दिया, उसमें 270 लोगों का पक्का मकान है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो ट्रेडिशन चली हुई है, सरकारी परियोजना की जितनी पैसा है लूट होती है काटमानी और सिंडिकेट के माध्यम से, वो दोबारा चालू हो गया। इसी का डर मुझे था, इसीलिए जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो मैंने उनको चिट्ठी भी दिया था और बोला था कि केंद्र सरकार जो सहायता राशि भेजेगा वो अपने सर्वे के अनुसार तालिका बनाकर भेजे और जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके अकाउंट पर सीधी सीधी पैसा भेजा जाए, नहीं तो बीच में से कटमनी बन जाएगा। और उसी का निर्देशन आ रहा है और हमने जो लिस्ट दिया है SDO को, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ कुछ गड़बड़ है, आप लिस्ट दे दीजिए, हम इसको इसका देखेंगे और इसका जाँच करके फिर सही जगह पर पहुँचाएंगे। नहीं, अभी तो हम सरकारी जो ऑफिसर उन तक पहुंचा रहे हैं सही जो तथ्य है और डाटा, उसके माध्यम से हमको लगता है कि इसका सही समाधान होगा। अगर नहीं होगा तो लोगों को लेकर आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट तक जाएंगे। ठीक, आपके तरफ से कोई क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया जा रहा है? यहाँ जो पर्यायी श्रमिक है, जो माइग्रेंट लेबर है, उनको स्वीकार करने के लिए राज्य तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरी के कारण केंद्र सरकार रेल के द्वारा जो भेज रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो टेस्टिंग का, ना तो सैनिटाइजर की, ना तो क्वारंटाइन की। इसीलिए जहाँ कहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, पंचायत के हाथ में सौंप दिया जाता है, पंचायत को देखभाल नहीं करता है, ना भोजन पानी मिलता है, ना रहने की ठीक ठाक व्यवस्था, सब जगह इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, झमेला हो रहा है। इसलिए हम लोगों को लगा कि ऐसा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए अपने तरफ से, जैसे कि मैं PPE मंगाया था दिल्ली से, जब शुरुआत में ही मैंने हॉस्पिटल में खुद दिया था, जैसे कि हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के हमने पेड़ काट कर रास्ता साफ करने का काम किया है, इतनी बड़ी त्रासदी के समय लोगों के सामने उदाहरण रखने के लिए। इसी प्रकार मिदनापुर खड़गपुर लोकल में एक क्वारंटाइन सेंटर हम अपने ढंग से बना रहे हैं कि जो एक मॉडल के रूप में हो, डॉक्टर से बात करके कर रहे हैं कि जो कुछ लोग वहाँ रहेंगे उनके साथ किस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी समर्पिता होना चाहिए, आंतरिकता होना चाहिए कि लोग इतनी परेशानी के अंदर इतना दूर आए हैं, कम से कम उनको लगे कि हम अपना गाँव लौट कर हम यहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए हम खुद यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं और 2-1 दिन में बन जाएगा और उसमें लोगों को हम लोग रखने की व्यवस्था करेंगे। वो अपने तरफ से फ्री में ही करेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ करेंगे और बकायदा पूरा उनकी जो मानसिक जो तनाव है उसको दूर करने के लिए योगा प्राणायाम की व्यवस्था रहेगा, बाकी जो इम्यून सिस्टम को थोड़ा ताकतवर बनाने के लिए उसके लिए भी बाकी व्यवस्था, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा अगर होती है आयुष के द्वारा हो रहा है उसका भी हम वहाँ फॉलो करेंगे। अभी तो 20 लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। धन्यवाद।